सरदार अख्तर मेंगल अपने तहफ़ुज़ात वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में सामने रखेंगे। हुकूमती वफ्द और सरदार अख्तर मेंगल की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक हुकूमती वफ्द और अख्तर मेंगल के दरमियान मामलात का वज़ीर-ए-आज़म से तबादला ख्याल करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म बलूचिस्तान के मसले पर जल्द ही पार्लिमानी पार्टियों के सरबराहों का इजलास बुलाएंगे। वकास अहमद से इस हवाले से बात करेंगे। जी वकास, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सरबराह अख्तर मेंगल के को वापस लेने से मुतल्लिक हुकूमत और अपोजिशन की जो जमातें हैं वो मुतहरिक हैं, और आज हुकूमत और अपोजिशन के सियासी रहनुमाओं की जानिब से आज जो है वो अख्तर मेंगल के साथ मुलाकात की गई और उन्हें इस चीज़ के ऊपर जो है वो दरख्वास्त की गई कि वो अपना इस्तीफा वापस लें। हुकूमत की जानिब से आज जो अख्तर मेंगल के साथ जो मुलाकात हुई है उसमें तमाम जो हुकूमती इत्तेहादी जमातें हैं उनके अरकान उसमें शामिल थी, जिसकी अंदरूनी कहानी जो शामिल सामने आ चुकी है। ज़राए की जानिब से बताया गया कि हुकूमती वफद सरदार अख्तर मेंगल के दरमियान मामला जो हैं वज़ीर-ए-आज़म के साथ जो डिस्कस करेगा, और वज़ीर-ए-आज़म बलूचिस्तान के मसले पर जल्द ही पार्लिमानी पार्टियों के सरबराहों का इजलास बुलाएंगे। ज़राए की जानिब से यह भी बताया गया है कि वज़ीर-ए-आज़म के साथ पार्लिमानी पार्टियों के सरबराहान की मुलाकात के दौरान बलूचिस्तान का मसला जो है सैर फहरिस्त रहेगा। उसके अलावा मुल्क में बदमनी की सूरत हाल और अदम इस्तेहकाम से मुतलिक मामला भी ज़ेरे गौर लाए जाएंगे। ज़राए की जानिब से यह भी बताया गया कि हुकूमती जो टीम आज जो वफद है वो जो अख्तर मेंगल से मुलाकात हुई उसमें ये फैसला भी किया गया है कि सरदार अख्तर मेंगल की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात भी कराई जाएगी, जिसमें सरदार अख्तर मेंगल अपने तहफ़ुज़ात से वज़ीर-ए-आज़म को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह करें। जी ठीक है, वकास अहमद, बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसील आगाह किया।